हेलो फ्रेंड्स, ओम लव्स बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखेंगे, विच इज द वाटर बाथ। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं एक वाटर बाथ जो कि ओम लैब्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। ये वाटर बाथ एक मेटेलिक बॉडी से बना है और यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि इस वाटर बाथ के पार्ट्स क्या हैं और ये वाटर बाथ यूज कहाँ कहाँ होता है। मैं इसका आपको एक ब्रीफ दे दूंगा एंड विल ऑल्सो टेक इट अ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि ये देखने के लिए कि वाटर बाथ को हम थोड़ा सा यूज कैसे करते हैं लेबोरेटरी में। आई विल शो यू दैट कि इसे ऑपरेट कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर मैं वाटर बाथ के पार्ट्स की बात करूं, हम पहले इस पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये दिस इज अ लिड, तो अगर मैं इसे मैं हटा भी सकता हूं, यू नो इट इज क्वाइट टाइट, ये टाइट होनी चाहिए ताकि जो हीट है वो एस्केप ना करे। तो अगर आप वाटर बाथ के अंदर देखें, यू विल हैव दिस चेंबर और इसके अंदर यहां पर ये लूप जैसा कॉइल होता है, राइट। नाउ आई कैन पुट द लिड बैक और यहां पर अगर मैं बात करूं इसके पार्ट्स की, तो पार्ट्स यहाँ पर दिस इज अ थर्मोस्टैट जिससे मैं इसका टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट है। रेड लाइट यानी कि ना अभी जो वाटर बाथ है इसमें जो वाटर हमने रखा है वो हीट हो रहा है एंड जब वो हीट हो जाता है सो द ग्रीन लाइट कम्स इन। और उसके बाद दिस इज एन ऑन ऑफ स्विच। तो यहाँ पर अब हम ये समझते हैं कि वाटर बाथ का काम क्या होता है और हम इसे यूज क्यों करते हैं। तो जब हमारे पास बायो या केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में वी हैव टू परफॉर्म स्पेसिफिक रिएक्शंस जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही कैरी आउट होते हैं, तो जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कैरी आउट होते हैं उनको वो टेम्परेचर कंडीशंस देने के लिए हम लोग वाटर बाथ का यूज करते हैं। नाउ से फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग टू रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स ए एंड बी, एंड रिएक्टेंट्स ए एंड बी विल स्पेसिफिकली रिएक्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पूरा पानी भरूंगा, आई विल फिल दिस विद वाटर और उसके बाद मैं यहां पर 50 डिग्रीज पे टेम्परेचर थर्मोस्टैट से सेट कर दूंगा। और जब मैं सेट करूंगा यहां पर रेड लाइट आएगी। रेड लाइट यानी कि मेरा जो पानी मैंने भरा है वो 50 डिग्रीज पर हीट अप होना शुरू हो गया है एंड वंस इट रीचेस द 50 डिग्रीज मार्क यहां पर आपको ग्रीन लाइट यहां पर ऐसे दिख जाएगी। तो दिस इंडिकेट्स कि 50 डिग्रीज पर मेरा जो पानी है वो रीच हो गया है एंड उसके बाद जिस भी अपरेटस में मैं वो रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूं, आई कैन पुट दैट डायरेक्टली इनटू द वाटर बाथ ताकि वो इंक्यूबेट हो सके, यानी कि उसको वो प्रॉपर हीट मिल सके जिसपे वो रिएक्शन टेक प्लेस होगा। एंड फॉर दैट इंक्यूबेशन मैं उसे जितना भी टाइम चाहता हूं उतना टाइम के लिए रख सकता हूं, बी इट 4 मिनट्स एंड 2 आवर्स। तो मतलब कि जितना भी मेरे को मिनट से आवर्स से लेकर घंटों तक लेकर मेरे को जितना भी रखना है मैं उतना उसे रख सकता हूं। अब थोड़ा सा मैं और इसके बारे में स्पेसिफाई कर देता हूं। से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव एनी सेल सैंपल और एनी केमिकल रिएक्शन, एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन विच हैज टू बी टेम्परेचर कंट्रोल्ड और जो कि एक टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट हो रहा है, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं टेस्ट ट्यूब को डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूं। एंड यहां पर अगर मैं इतने बड़े रेडियस में टेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली माई रिएक्शन ट्यूब में गो एंड समर्ज, यानी कि मेरा रिएक्शन जो है सारा खराब हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव दिस, देयर इज अ गुड फैसिलिटी हियर, यहां पर आप इसके रेडियस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो बाय पुटिंग दीज पर्टिकुलर बैंगल्स। तो अगर मेरे को इसके रेडियस को अकॉर्डिंग टू माय ऑपरेटर जिसमें मैं रिएक्शन कर रहा हूं कंट्रोल करना है, सो आई कैन पुट दीज बैंगल्स, तो इसका रेडियस जो है वो ऑटोमेटिकली छोटा होता रहेगा। एंड अगर मेरे को इसको पूरा कवर करना है, इफ आई हैव सम बीकर कोई बड़ा जिसमें अगर रिएक्शन है, मेरे को किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीट अप करना है और मेरी हीट एस्केप ना हो, तो आई कैन ऑल्सो एज वेल कवर इट। तो मेरे पास हर होल के लिए यहाँ पर 6 हमारे पास चेम्बर्स हैं, 6 ऐसे होल्स हैं और इनके लिए हमारे पास ऐसे बैंगल्स अवेलेबल हैं एंड वी हैव दी अपर पार्ट जिससे हम पूरा लिड इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक का आपको लिड बनाकर दिखा दिया है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट वाटर बाथ कि हम इसे यूज कैसे करते हैं, क्यों यूज करते हैं और इसके जो पार्ट हैं वो क्या है। अब हम क्या करेंगे, विल ऑल्सो सी अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि वाटर बाथ के बारे में जो मैंने आपको बताया कि वो काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो चेंबर है उसको फिल कर दिया है विद वाटर और मैंने इसके टेम्परेचर को सेट कर दिया है अराउंड 30 और मैं यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए थर्मामीटर भी लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ दैट आफ्टर सम टाइम कैसे हमारा जो वाटर बाथ है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। तो ताकि हीट ट्रैप ना हो, आई विल क्लोज इट, राइट। यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड मैं हर जो मेरा यहाँ पे वो है, जो मेरा हर सर्कल है या हर होल है उसको मैं कवर कर दूंगा विद दीज। सो जब मैं कवर कर दूंगा तो उससे क्या होगा कि जो हीट है ना वो ट्रैप नहीं, वो ट्रैप ही रहेगी और वो जो है इसको एस्केप नहीं करेगी।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑन कर दिया है, ऑन तो ये ऑलरेडी था। अब मैंने क्या किया है ना, सारा के सारे जो यहाँ पे लिड्स हैं उन्हें कवर, लिड से सारे जितने भी चेंबर्स जितने भी होल्स हैं उन्हें कवर कर दिया है। एंड मैंने फॉर योर रेफरेंस टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। आई हैव डन इट टू, मतलब 30 था पहले, आई हैव टेकन इट टू 60। तो इससे क्या होगा, अभी आप देख सकते हैं कि रेड लाइट चल रही है, ग्रीन लाइट, दोनों लाइट्स अभी ऑन है। तो जैसे ही मेरा टेम्परेचर रीच हो जाएगा तो हमारी ये वाली जो लाइट है ये जो है इट विल स्विच ऑफ और यहाँ पे हमारे को ग्रीन लाइट मिल जाएगी। एंड साइड बाय साइड मैं थर्मामीटर से भी इसका जो टेम्परेचर है वो मॉनिटर करता रहूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब रेड लाइट जो है वो ऑफ हो गई है एंड ग्रीन लाइट इज ऑन, यानी कि अब मैं अपने जो भी मेरा रिएक्शन है उसको रख सकता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने 60 पर इसे सेट किया था, तो थर्मामीटर में मैंने आपको मेजर करके दिखाया द टेम्परेचर इज ऑल अराउंड 60। तो अब ये कुछ आवर्स के लिए, यानी कि जितने भी आवर्स के लिए आप इसे रखना चाहो, ये 60 पर फिक्स रहेगा। एंड इस 60 डिग्री सेल्सियस पर आपका कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है या कोई भी केमिकल रिएक्शन है आप उसे इंक्यूबेट कर सकते हैं ताकि आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो अच्छे से कंबाइन करें ऑन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर और जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन एंड डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग टेम्परेचर को जो है ना आगे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर इसे 100 कर दिया, सो नाउ इट विल टेक सम टाइम टू रीच 100। और जैसे ये 100 तक पहुंच जाएगा ये रेड लाइट जो है ये बंद हो जाएगी एंड ग्रीन लाइट विल बी ऑन। तो ये था हमारा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कि वॉटर बाथ एक्चुअली वर्क कैसे करता है। और हमने थर्मामीटर के थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया कि 60 डिग्रीज पर पहुंचते ही कि यहाँ पर कैसे इसका एक तो रेड बटन बंद हो गया, रेड लाइट बंद हो गई, और दूसरा कि इसका जो टेम्परेचर है 60 डिग्री पहुंच गया है कंफर्मेशन के लिए, हमने आपको थर्मामीटर से भी दिखाया। तो इस वाटर बाथ के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स बायोलॉजी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।